It is said that eyes are the window to your soul. लेकिन क्या हम सच में आंखों को हेल्थ वाइज इंपॉर्टेंस देते हैं? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द हेल्थ मैगजीन. क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली कंडक्टेड सर्वेज ने दिखाया है कि मोस्ट पीपल स्पेंड क्लोज टू 7 hours a day यूजिंग कंप्यूटर्स, वॉचिंग टेलीविजन एंड यूजिंग सेल फोन. इसकी वजह से हम अपनी आंखों को काफी स्ट्रेन करते हैं. ऐसे में आई रिलेटेड इश्यूज आर फाउंड इन अ लॉट ऑफ पीपल. आम तौर पर देखी जाने वाली आंखों की बीमारियां हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ड्राई आईज, आईलिड इरिटेशन, इन्फेक्टेड टियर डक्ट, रेड आई, स्टाइज, वॉटरी आईज. आइए हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से जानते हैं इन सब से कैसे बचा जा सकता है. हमारे बच्चे छोटे हैं तभी से हमें जो आई फूड्स है, जो फूड्स हेल्दी है हमारे आँखों के लिए स्पेशली, उन फूड्स को हमारे खाने में हिडन वेज में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है. अपनी आँखों का ख्याल रखने के लिए इन फूड्स को अपने डाइट में इंक्लूड करें. कैरेट्स, आलमंड्स, स्पिनच, एप्पल्स, गूसबेरीज या आंवला. कैरेट्स इज लाइक वी ऑल नो इट्स बेस्ट फॉर आवर आईज बिकॉज दे आर प्रीकर्सर्स ऑफ विटामिन ए व्हिच नॉट ओनली हेल्प्स इन योर रेटिनल हेल्थ बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिवर्सिंग द AMD प्रॉब्लम इन ओल्डर पीपल. आलमंड्स एंड मेनी अदर नट्स लाइक वॉलनट्स एंड इवन फ्लैक्स सीड्स are very very rich in MUFA, that is monounsaturated fatty acids, and vitamin E. Now these both nutrients are extremely good for your eyes, especially in preventing cataract. Spinach and many other leafy vegetables like amaranth, kale, fenugreek, ye sab bahut labhdayak hai hamari eyes ke liye because they contain antioxidants, mainly zeaxanthin and lutein. These two antioxidants are very beneficial in protecting our eyes from harmful UV radiations. Apples, again, being a very, very good source of vitamin A and vitamin C, helps in the retinal health. Gooseberries are exceptionally good, proven to reverse the problems of glaucoma in diabetics. At the same time, they are very helpful in preventing as well as curing conjunctivitis. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर हमारे शेफ आपके लिए कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं एंड दिस इज फॉर एवरीवन. आज हमारे हेल्दी किचन में बनेगा रोस्टेड वेजिटेबल्स इन स्पिनच काठी रोल्स, स्विस म्यूजली विद एक्सोटिक फ्रूट्स, त्रिफला चून एंड धनिया आई वॉश. अगर आप उनमें से हैं जो कंप्यूटर, टेलीविजन या सेलफोन पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या इवन इफ यू डोंट, दिस विल हेल्प एवरी वन ऑफ यू. लेट अस टेक अ लुक. सो लेट्स मेक समथिंग दैट इज हेल्दी चटपटा बट एट द सेम टाइम दैट विल सूट योर लाइफस्टाइल, दैट विल कीप यू हेल्दी. तो बनाते हैं टॉस्ट वेजिटेबल एंड काठी रोल. चलिए गाजर, लॉट्स ऑफ इट, इट हेल्प्स द आईसाइट. तो चॉप्ड कैरेट्स, अगर आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं. कैरेट्स आर वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए प्रीकर्सर्स, दैट इज बीटा कैरोटीनॉइड, एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट कैरेट्स इन मोस्ट ऑफ दीज रेसिपीज फॉर किड्स फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ टू कीप योर आईज हेल्दी. जितनी भी कलरफुल वेजीज आती हैं दे आर ऑल गुड फॉर आई साइड. तो आई हैव गॉट सम पर्पल कैबेज हियर, इसे भी इस्तेमाल करते हैं, इसे भी बारीक काटेंगे. सम नाइस ग्रीन कैप्सिकम, आप चाहे तो येलो, रेड, ये कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं. जितना ज़्यादा कलरफुल होगी आपकी रेसिपी सेहतमंद भी होगी और दिखने में भी अच्छी लगती है. तो ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च इज रिच इन विटामिन ए और उसके साथ साथ ही इट इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. और बहुत लोग कहते हैं मुझे कि आलू इज नॉट गुड, आलू से वजन बढ़ता है, आलू से खूब सारी प्रॉब्लम्स होती है. इनफैक्ट बॉइल्ड आलू इज नॉट दैट बैड, लेकिन जब आप इसकी टिक्की चाट खाते हैं या फ्राइज खाते हैं विच इज डीप फ्राइड इन यूज्ड ऑयल, देन इट बिकम्स अनहेल्दी. तो हम दोनों ही नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू फ्राई दिस टू मच. और अगर ऑयल इस्तेमाल करेंगे वी विल यूज हेल्दी ऑलिव ऑयल. सो दीज आर बॉइल्ड पोटेटोज, इतने बॉइल करें कि इसके पीसेस निकल जाए, पूरी तरह से मैश ना हो. So with all these veggies now, we'll just take a wok
और मैं ऑयल की बात कर रहा था. कुकिंग मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग लियोनार्डो प्योर ऑलिव ऑयल. एक तो इसका मेन रीज़न ये है कि ये 1/3 ही लगता है, यानी जिधर आपको 3 या 4 चम्मच लगेंगे यहाँ पे एक चम्मच में काम बन जाएगा. इट एनहांसेस द फ्लेवर. ऑलिव ऑयल विच इज डिवॉइड ऑफ एनी ट्रांस फैट्स, इट इज 0 ट्रांस फैट्स एंड इट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ न्यूफा. यूजिंग दिस तो खाना स्वादिष्ट तो बनेगा ही लेकिन ऑयली नहीं होगा, सेहतमंद होगा. सो लिटिल बिट ऑलिव ऑयल लिया, उसके साथ साथ ये जूलियन करे हुए प्याज. अभी भी सॉल्ट आप डालते हो किसी भी सब्जी में तो खाना जल्दी पकता है क्योंकि जो पानी होता है, जो एक्सेस मॉइस्चर होता है, ये इसे एब्जॉर्ब कर लेता है. ये जिंजर गार्लिक पेस्ट विथ सम ग्रीन चिली, तीखापन इसे देने के लिए और अदरक लहसुन का स्वाद देने के लिए. इसके साथ साथ थोड़ी सी हल्दी, जस्ट अ लिटिल. नाउ विद द कैरेट, जो सबसे सख्त सब्जी है वो मैं पहले डाल रहा हूँ. तो गाजर टेक्स अ लिटिल टाइम टू कुक, ये पहले डाल दी. फिर से एक बार इसे सौते करते हैं, लेट्स टॉस इट अ लिटिल. और ये देखिए कितना कम ऑयल में ये टॉस हो रहा है, बट एट द सेम टाइम यू जस्ट सी दिस वेजिटेबल्स, बिकॉज इट्स ऑलिव ऑयल इट्स कोटिंग द एंटायर वेजिटेबल्स इवनली. सो लेट्स टॉस दिस. सो जरूरी नहीं है कि ऑयल डालना इज ऑलवेज अनहेल्दी. अब इसमें बारी है कैबेज डालने की. और ये सारी चीज़ें हमें बहुत देर से मालूम पड़ती है, यू नो, जिस एज में हमें भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए. व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू आर किड, हम ये सब खाते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं. और जिस एज में आराम करना चाहिए, मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स को देखता हूँ, ये सुबह सुबह चालू है जॉगिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए. क्यों? अब उनको डायबिटीज़ हो गया है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है. तो पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो इसलिए क्यों रुकना है कि हमें ये सारे डिसीजेज हो जाए. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ताकि कल जाके हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो. ये नहीं कि सारी बीमारियां लगने के बाद हमारे दिमाग की घंटी बजे और हम सुबह उठ के जॉगिंग शुरू करें. अब कैप्सिकम इसमें, थोड़ा सा आलू तो है ही, सो लिटिल बिट ऑफ द पोटैटो अगेन. सो विद द पोटैटोज एज वेल, लेट्स टॉस एवरीथिंग टुगेदर. और अब इसमें और एक इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल जो है ब्लैंच स्पिनच. तो ब्लैंच यानी बस थोड़ा सा पकाना है. स्पिनच ऑल्सो हैज अ गुड क्वांटिटी ऑफ आयरन, विटामिन सी, फोलेट. नाउ दीज न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस. ये थोड़ा सा चाट मसाला, आप चाहे तो इसमें पाव भाजी मसाला भी ऐड कर सकते हैं चटपटा बनाने के लिए. नमक फिर से एक बार थोड़ा सा, सॉल्ट. ये फिलहाल स्टफिंग लगभग तैयार है. एज आई सेड, आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट टू मच, दो चीज़ों के लिए. एक तो न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहेंगे और क्रंच भी चाहिए मुझे. व्हेन आई ईट द रैप आई शुड फील ऑल द टेस्ट ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स. वंस अगेन दूसरा पैन, जस्ट अगेन अ लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल, जस्ट अ हिंट. और ये होल व्हीट पराठाज है, मैदे के नहीं है, सो दे आर हाई इन फाइबर. आई एम जस्ट रीहीटिंग देम अ लिटिल बिट हियर. सब्जियां तो यहाँ पे तैयार है, बारी है इसे रैप करने की. चटनी इसके साथ मैं देने वाला हूँ जो घर में बनाई हुई है, यानी मेरे हेल्दी किचन में बनाई हुई है. और दही, अगेन अ लवली इंग्रेडिएंट अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो. चलिए ये जो काठी रोल की रोटी है, ये देखिए कितना डाला था मैंने तेल, आपने देखा था, नॉट इवन हाफ अ स्पून. और ये देखिए पूरा पराठा जो है वो कवर हो गया है. द काठी रोल्स व्हाट वी हैव मेड इन दिस आर नॉट द रेगुलर काठी रोल्स. व्हाट वी हैव यूज्ड इज होल व्हीट फ्लावर, इसीलिए यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ बी विटामिंस, मैग्नीशियम एंड फाइबर इन दिस रोटी. ये देखिए ये जो काठी रोल का पराठा है ये भी बन गया नाइस एंड हॉट. और एक लेते हैं, आप चाहे तो जो घर में चपाती बनती है उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज डन, पराठा फॉर द काठी रोल इज डन. सो विल जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ द योगर्ट
एट द बेस, ये पुदीने और धनिया की फ्रेश बनाई हुई चटनी, विद दिस स्टफिंग, और ये नहीं कि रोटी इतनी सी और स्टफिंग इतना सा, ढेर सारा स्टफिंग डालो तभी आपके बच्चों के आपके काम आएगा, बिकॉज दिस इज गॉट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। ये बाकी तो सिंपल काठी रोल है, ये ले लिया और इसे टाइट हमने रैप कर दिया। जैसे ही यहाँ पे रैप हो, ये जो साते स्टिक्स आते हैं ये मैं ले रहा हूँ ताकि रोल जो है ये खुले नहीं। यहाँ से लेके फिर ये दूसरी तरफ से, दिस इज जस्ट टू लॉक द काठी रोल। अब इसे स्लैंट में काटेंगे, just cut it into slant like this। अगर आपको इसे और सुंदर बनाना ही है तो लेट्स प्लेट इट दैट वे। ये दही ले लिया, ये हो गया भाई मेरा पिक्चर फ्रेम जिसमें आएगा मेरा रेसिपी लिटिल बिट विद द चटनी। और अब एक एक करके ये अक्रॉस, सम नाइस चेरी टमेटोस, ये बन गया बढ़िया काठी रोल, काठी एंड टॉस वेजिटेबल रोल तैयार। देखने में एपेटाइजिंग है, खाने में स्वादिष्ट है, एरोमेटिक है, सो इट्स वेरी गुड फॉर द आई साइट। बनाए और नुक्कड़ वाले चाचा जो है ना उसको बोलो भैया तू अपने पास ही रख तेरा रैप, तेरे परिवार को खिला, मेरे परिवार के लिए ये है। रोस्टेड वेजिटेबल्स इन स्पिनच काठी रोल्स बनाने के लिए हम मिक्स्ड वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर, पर्पल कैबेज, शिमला मिर्च और बॉइल्ड पोटैटोस को अच्छे से चॉप कर लेंगे। एक पैन में लियोनार्डो प्योर ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसमें प्याज, नमक, ग्रीन चिली और हल्दी डालकर मसाला बनाएंगे। फिर इसमें कटी हुई सब्जियों को डालकर टॉस करेंगे। अब इसमें ब्लांच्ड पालक डाल के चाट मसाला और नमक भी ऐड करेंगे। एक दूसरे पैन में हम होल व्हीट पराठास को हीट करेंगे, फिर इसमें दही और हरी चटनी डाल के अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इन पराठास में वेजिटेबल स्टफ करेंगे और अच्छे से रोल करेंगे। आखिर में इनको दही, हरी चटनी और चेरी टमाटोज के साथ गर्मा गर्म सर्व करिए। देयर इज अ फेमस सेइंग, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, सो लुक आफ्टर योर ब्यूटीफुल आईज टू बी द बिहोल्डर ऑफ ब्यूटी। बट ऑन अ सीरियस नोट, आपने काफी सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर वेजिटेबल या फ्रूट के इंटेक से हमारी आंखें ठीक हो सकती हैं। Now, what is that separates a fact from a myth? More on this after the break. Break ke baad hum banayenge Swiss muesli with exotic fruits.